रमजान में महिलाओं की शॉपिंग के लिए बेस्ट चॉइस किड्स कैंप। हर वैरायटी, क्वालिटी और लेटेस्ट कलेक्शन यहाँ मिलेगा। गाउन विद पैंट, बॉल गाउन, बुर्का और हलीमा सुल्तान जैसे यूनिक कलेक्शन भी यहाँ मिलेंगे। तो रमजान शॉपिंग के लिए जल्दी पहुंचे किड्स कैंप या फिर घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर के लिए किड्स कैंप की इंस्टाग्राम आईडी या व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। मुंब्रा बाईपास पर फिर से हुई खूनी वारदात। कंटेनर चालक को मोबाइल लूटने के लिए किया गया चाकू से घायल। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शुक्रवार 1 अप्रैल के दिन दोपहर के समय मुंब्रा बाईपास पर बिल्कुल ठीक रहमानिया अस्पताल से सटा हुआ जो बाईपास का इलाका है, यहाँ पर एक कंटेनर चालक को कुछ स्थानीय जो बाईपास के सटे हुए इलाके के युवक हैं, जिन्होंने मोबाइल छीनने के उद्देश्य से चाकू मार करके घायल कर दिया। इस कंटेनर चालक का दूसरा कंटेनर चालक साथी था अशोक, उससे हमारी बातचीत हुई है। साथ ही इस मामले की सूचना मिलने के बाद मुंब्रा ट्रैफिक पुलिस के ट्रैफिक वार्डन है सैयद अफरोज, इन्होंने फौरन घायल को कालसेकर अस्पताल पहुंचाया, जो मौजूदा जीएससी अस्पताल कहलाया जाता है, और मुंब्रा पुलिस स्टेशन में यह रॉबरी की वारदात दर्ज की गई है। आए दिन मुंब्रा बाईपास पर अब लूट की वारदातों का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। बाहर राज्यों से आने वाले कंटेनर चालक, ट्रक चालक अक्सर इसका शिकार हो रहे हैं। हालांकि मुंब्रा पुलिस स्टेशन द्वारा यहाँ पर गश्ती का वाहन जो है वो लगातार सक्रिय रहता है, मगर मौका देख करके अक्सर लुटेरे ऐसी वारदातों को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। इस पर भी स्थानीय पुलिस को सोचना होगा। आ रही थी ये गाड़ी गांधीधाम गुजरात से आ रही है। गुजरात से आ रही थी, कहाँ तलोजा लेकर जा रहे थे? हाँ। तो क्या चीज का मटेरियल है? तो कुछ नहीं, अभी यहाँ इस ट्रैफिक में जाम तो हो रहा है। सामान क्या था अंदर लेके जा रहे थे? ये तो फॉइल है। फॉइल जिसको मार लगा हुआ आपकी गाड़ी साथ में, साथ वाला है, मतलब ये 2-3 गाड़ी जो आपका साथ में जा रहा था, और यहाँ पर कुछ लड़कों ने रोक करके, मतलब ये गाड़ी आगे आगे जा रही थी, हम पीछे पीछे आ रहे थे। एक ही आदमी आया और फाटक के सीधे टेंगा। उसने बोला भाई कुछ दे मेरे को। उसने बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है, सीधे सब मार दिया। आपका नाम? मेरा नाम अशोक है। अशोक भाई, थैंक यू। अल्ताफ, अल्ताफ भाई, आपके साथ में क्या घटना घटी है? बचपन में गाड़ी लेके आ रहा था, अचानक एक बंदा आ रहा, गाड़ी सामने थी, बाइक पैदल पैदल रोड में, उससे अपना घुसबंदा सा रहा था, अचानक रोड क्रॉस करके मेरे जस्ट सामने आ गया। आपकी कौन सी गाड़ी थी? मेरा ट्रेलर है। ट्रेलर, तो आप कहाँ जा रहे थे लेकर? मैं आ रहा तलोजा। तलोजा, अफरोज सर, अभी बाईपास पर एक हादसा हुआ, अल्ताफ करके ट्रक ड्राइवर था, उसे कुछ हथियार लोगों ने लूटपाट की, आप बता सकते क्या मामला था? एक्चुअली मुझे पता नहीं, मैं नीचे सर्कल पर ट्रैफिक निकल रहा था और मुझे कॉल आया कि किसी 2-3 लड़के लोग जो पैदल जा रहे थे, इसका ट्रक रुका के इसकी मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहे थे। ओके। और इससे शायद अपना मोबाइल बचाना चाहे, इसके लिए शायद उसके हाथ पे चाकू से कुछ वार कर दिए। ये किधर का मामला है? ये अपना रहमानिया हॉस्पिटल, मुंब्रा बाईपास। मुंब्रा बाईपास, तो ये कंटेनर चालक था? कंटेनर चालक, तो उसे उठा करके अस्पताल आप लाए? हाँ, मैं ले जाए। ऑन ड्यूटी आपने ये अपना काम निभाया, बखूबी अपना फर्ज निभाया, जिसके लिए मुंब्रा कौसावासी भी आपके आभारी रहेंगे। परंतु आप प्रशासन से क्या विनती करते हो ऐसे लूटपाट करने वाले लोगों के लिए? कैसे उनपे डेली मुंब्रा पुलिस की पीसीआर मोबाइल तो घूमती रहती है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन एक ऐसा है मौके का फायदा उठा के वारदात को अंजाम देते हैं, ऐसा है। तो आपका कहीं ना कहीं कहना है कि थोड़ा जो बाईपास पे पेट्रोलिंग टीम है उसे थोड़ा और सख्त तरीके से कार्रवाई पे कंटिन्यू, हम खुद रहते हैं, मुंब्रा पुलिस की टीम रहती है, पर कैसा है अब एरिया बहुत बड़ा है, फिर भी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, क्या कर सकते हैं उसके लिए। We'll be right back.
We'll be right back.